नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम यूपीएससी मेंस सॉल्यूशन 2019 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जनरल स्टडीज़ पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 10 को एनालाइज करेंगे। और हमारा ये क्वेश्चन जो है इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है। देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टूडे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरल स्टडीज़ पेपर वन का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। दोस्तों, जब मैंने आपको लोडेड क्वेश्चन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी, तभी उसी वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और दोस्तों, मैंने बताया था कि किस तरीके से जो यूपीएससी है लोडेड क्वेश्चन आजकल पूछने लगी है, और इसका ट्रेंड जो है अब काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी में आने वाले टाइम में बढ़ेगा भी। तो मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया था, आप हमारी लोडेड क्वेश्चन वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसे हमने जनरल स्टडीज़ के एक इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर रख दिया है। और दोस्तों, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ फिर भी दोस्तों, हम एक बार इसे डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर दोस्तों हम इसको सिलेबस में देखते हैं, तो इंडियन सोसाइटी के सिलेबस में क्लियरली मेंशनड है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली सेक्युलरिज्म वाले टॉपिक से ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। और दोस्तों, हर साल आता है। दोस्तों, मैंने आपको लोडेड क्वेश्चन में ही बता दिया था कि इस क्वेश्चन में आपको हामी नहीं भरनी, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है उसको आपको फैक्ट नहीं मानना, तो उसका आपको यहाँ पर विरोध करना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी के भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में किसी भी तरीके से इंटरवेन नहीं करता। और दोस्तों, अगर उसने कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ जैसे कि अनटचेबिलिटी, ट्रिपल तलाक, इन तरीके के इशूज़ में अगर इंटरफेयर किया भी है, तो दोस्तों वो किसी भी तरीके से सेक्युलरिज्म का विरोध नहीं करते, क्योंकि दोस्तों वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे। और दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविज़न भी है, और इसके ऊपर एक डॉक्ट्रीन भी है, जिसको हम दोस्तों प्रिंसिपल डिस्टेंस कहते हैं। प्रिंसिपल डिस्टेंस कहता है कि स्टेट जो है एक तरीके से वो पूरी तरीके से रिलीजन से सेपरेट नहीं रहेगा, जो माइनॉरिटीज़ होंगी उनके लिए वो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट पॉलिसी बनाएगा, ताकि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए स्टेट जो है रिलीजन में इंटरवेन करता है, लेकिन वो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं जिनका एक तरीके से किसी के ह्यूमन राइट के वॉयलेशन से कुछ ना लेना देना हो, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर किसी भी तरीके का स्टेट जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। इसका दोस्तों सिंपल मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड कर दिया है कि किस हिसाब से स्टेट जो है उसमें इंटरवेन करेगा, और किस हिसाब से स्टेट जो है इंटरवेन करने से बचेगा। और दोस्तों, जो भी इंटरवेंशन होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स लेड आउट किए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही बता दूं, जो पिछली साल आया था, और वो भी दोस्तों इसी क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 10 ही था जनरल स्टडीज़ वन का। और यहाँ पर दोस्तों पूछ लिया गया था क्वेश्चन में इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बीच में डिफरेंस, जिसको मैंने दोस्तों अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या इम्पॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव रखे हैं सेक्युलर स्टेट होने के नाते। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को ये अच्छे से पता था कि कोई भी देश सेक्युलर स्टेट जब ही बन सकता है जब वहाँ पर एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे पर डोमिनेट ना कर पाए, और जो एक तरीके से मेंबर्स हैं एक तरीके से वो जो हैं अपने सेम रिलीजियस कम्युनिटी के दूसरे मेंबर पर डोमिनेट ना कर पाए, यानी फ्रीडम हो हर किसी मेंबर की, भले वो उसी रिलीजन का हो। इसके अलावा दोस्तों, स्टेट जो है एक पार्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स ना कर पाए, और रिलीजियस फ्रीडम किसी इंडिविजुअल की ना ले पाए। तो इन सब चीज़ों के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में ही आपको राइट टू चूज़ रिलीजन और एक तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिस करने का आपको फ्रीडम मिला हुआ है। उसके अलावा माइनॉरिटीज़ के लिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 भी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही, और वहाँ पर हर किसी के फ्रीडम को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में
सेक्युलरिज्म को बेसिक फीचर माना है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल का वो स्टेट वॉयलेशन करता है तो। तो दोस्तों ये सीधे सीधे इस बात को साबित करता है कि हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म को एक तरीके से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है और कोई स्टेट अपने यहाँ पर मनमानी नहीं कर सकता। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमने जो लोडेड क्वेश्चन पर वीडियो बनाया है उसको आप ज़रूर देखिएगा, और जो मैंने इसमें मेंशन किया है आपको एक तरीके से जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखने के लिए, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।